स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है बिने वेब दुनिया। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं शादी कार्ड एल्बम डिजाइनिंग, करिश्मा एल्बम की डिजाइनिंग फोटोशॉप में सीखने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकॉन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका डिटेल मिले और ये जानकारी आप तक भी पहुंच सके। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वैसे हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और फोटोशॉप से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा फोटोशॉप। फोटोशॉप में ओपन करने के बाद हमें साइज लेना पड़ेगा, कंट्रोल एन से हम 12x36 साइज का पेज लेंगे, ये देखिए। और इसमें हमें कोई एक इमेज चाहिए जो कि हमें इसमें ब्लर करना है, तो सबसे पहले मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ ये, और इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। और इसमें पूरे पेज में कवर कर लीजिएगा, ये देखिए। और यहाँ पर ये अलग अलग लेयर है तो इसको कंट्रोल ई से जॉइंट करिएगा, और फिर जाना है आपको फिल्टर मेनू में, ब्लर मेनू में, और ये देखिए आपको फिर इसको मिक्स करना है। और ये देखिए इसको थोड़ा सा कलर वगैरह जो है आप लाइट डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है, ये देखिए। तो चलिए अब हम यहाँ से मिक्सिंग जो है स्टार्ट करते हैं। एक बार और थोड़ा सा मैं इसमें गार्जियन ब्रश चला लेता हूँ, ये देखिए। ओके अब क्लीन हो चुका है हमारी वर्क, अब यहाँ से हम इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं ये वाला कलर जो है इस तरफ लाने वाला हूँ, इसके लिए आपको करना है कंट्रोल जे, और यहाँ पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। तो ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कंट्रोल ई से सेव कर देते हैं। अब चलिए हम सेव बनाते हैं इसमें। तो सेव बनाने के लिए आपको सबसे पहले या तो टूल बॉक्स से यहाँ ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, या तो फिर आप कीबोर्ड से यू बटन प्रेस करिए। सपोज इट अभी ये सेलेक्टेड है तो आप यू बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जाइए, ये ऑप्शन को चूज करिए, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से एक नया लेयर यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इमेज बनाएंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले इसको हमें करना है रेस्टराइज लेयर, ठीक है, यहाँ पर रेस्टराइज लेयर करना है, और इसको कंट्रोल जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अलग लेयर बनाना है, इसमें कंट्रोल यू के साथ ब्लैक कलर फिल करना है, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है, फिर कंट्रोल जे करना है, फिर कंट्रोल यू से फिर से एक लेयर बना के उसमें वाइट कलर करना है, और इसमें ये कर देना है। और जो बैक साइड वाला बटन है इसमें एक से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल जो बटन बने हुए तो 9 में सबसे ज़्यादा दिखता है, 1 में सबसे कम दिखता है, तो आप 2-3 ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें हल्का छुपाने के लिए। तो चलिए ये हो गया, और अब चलिए कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया लेयर बनाते हैं और यू बटन प्रेस करते हैं, और इसमें से हमें चाहिए ये चाहिए, तो इसमें से ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ से राइट क्लिक करके आप रेस्टराइज लेयर करिए, और इसको आपको घुमाना है 90 डिग्री आपको घुमाना है, ऐसे इंटर करना है, और जो ये इस तरफ है इसको इस राइट तरह राइट साइड रोटेट करना है, रिवर्स करना है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये,
अब ये अगर ऊपर नीचे हो जा रहा है तो आपको ऐसे कर सेलेक्ट करना है और सेंटर में करना है। ओके चलिए ठीक है। अब इसको हमें फिर से रिवर्स करना है, फिर से इस तरफ करना है और इस तरफ करना है। ये देखिए इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से फिर मैं फिर से इसको सेव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ जाके। और ये देखिए इसको अंदर की तरफ ले लेंगे थोड़ा सा और इनको बराबर में हम कट कर लेंगे। इस वाले लेयर को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी। ये देखिए दोनों को हमने कट कर लिया है। और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ ऐसे, और ये थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, और ये भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। तो अब देखिए हमारा मार्जिन जो है बराबर हो चुका है। अब इसको हम बराबर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए और इसको भी कट कर लिया हमने। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए और ये देखिए, अब चलिए मैं यहाँ पर एक हार्ट जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। यू बटन फ्रीज प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और हार्ट पर आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। और एक हमें बॉक्स चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं नया ले ले लूँ ले लेयर ले लिया हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ पर ये सर्कल में ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रेस्ट्राइल लेयर कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए और इसको भी मैं एक और बना लेता हूँ इस तरफ जाके। ये देखिए तो अभी जो है ठीक है, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ और इसका एक नया लेयर बनाएंगे, ब्लैक कर लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। एक और लेयर बनाएंगे, इसको कर लेंगे हम वाइट और इसको कर लेंगे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लैक वाइट वाले को, बैक साइड वाले को थोड़ा सा हम हाइट कर देंगे। और ये देखिए हमारी सीट्स जो है ये बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें इमेज इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा छुपा लेता हूँ ऐसे ऐसे। और अब हम इसमें इमेज इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए। कोई भी इमेज एक मैं चूज़ कर लेता हूँ उसमें फिल करने के लिए। ये वाली मैं इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और इस इमेज को मैं सिर्फ इतना लूँगा और इसमें राइट क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इमेज अभी लग रही है। और इसमें भी एक इमेज हम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके हम कोई इमेज चूज कर लेंगे। यहाँ पर सपोज़ के मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं इसमें लगा लेता हूँ। इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसमें, और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे। और ये देखिए
ये देखिए इमेज हमने इसमें ला लिया है, और एक इमेज और हमें चाहिए जो कि ये है, और ये वाली इमेज हम इस वाले बॉक्स में रखेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखिए अभी इमेज हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये हमारी फ़ोटो जो है एडजस्ट हो चुकी है। अब हम इसमें एक इमेज रखेंगे, तो इसमें इसके लिए मुझे कोई एक अच्छी सी इमेज चाहिए, और क्योंकि ये हमारी मेन इमेज है तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ इसके लिए। और इसमें फ़ोटोशॉप में ले जाके ओपन करेंगे, ऐसे इसमें छोड़ देंगे और इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे, और इसमें कंट्रोल साथ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो ये इमेज को थोड़ा सा मैं लाइटिंग बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और एक इमेज अभी हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए मैं कोई एक अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ, ये वाली। और इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है और इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने रख लिया है। ये देखिए, तो अभी हमारी इमेज जो है क्लियर हो चुकी है। अब ये वाली इमेज हम ले जाएंगे और इसमें कंट्रोल के साथ कट करेंगे, इसमें ले जाएंगे पेस्ट करेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको ब्लर कर लूँगा ऐसे। यहाँ पे इमेज है मैं ब्लर कर लिया हूँ। ये देखिए, इस इमेज को मैं थोड़ा कलर करेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी ये। और कुछ इमेजेस जो हैं मैं इधर भी शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे ये वाला हैंड चाहिए, तो ये मैं हैंड ले लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ब्लर। ये देखिए, और इसको मैं कर लेता हूँ कलर करेक्शन। ये देखिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और एक इमेज जो है मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये वाली। ठीक है, तो ये इमेज देखिए मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, और ये इमेज जो है मैं इस तरफ रोटेट करूँगा ऐसे ऐसे, तो फ्लिप कर लूँगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, और इसको सबसे बैक साइड में मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, और इसको भी मैं ब्लर कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, किनारी जो है कॉर्नर ब्लर कर लेता हूँ। और कंट्रोल यू करके ये देखिए, तो अभी फोटोशॉप हमारा जो है क्लियर हो गया है, सीट क्लियर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कहीं भी आपको दिक्कत आती है इस वीडियो के अंतर्गत और अदर भी किसी वीडियो में हमारे चैनल पर, तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।